अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना वन ऑफ द बेस्ट ऑन बेस्ट कपल में से एक हैं। लोग इस कपल को ओपनली हार्ट एडमायर भी करते हैं और तो और शादी के 21 सालों बाद भी ये कपल फैंस के बीच एवरग्रीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय से शादी करने से पहले ट्विंकल ने काफी पेपर वर्क किया था। ट्विंकल ने अक्षय को यूं ही इजीली हाँ नहीं कहा था। जी हाँ, खिलाड़ी कुमार को अपनी लेडी लव के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ गए थे। दरअसल ट्विंकल ने अक्षय से शादी के लिए शर्त के तौर पर दो चार्ट तैयार किए थे, जिनमें एक अक्षय की हेल्दी जींस फैमिली बैकग्राउंड को लेकर था और दूसरा शादी के फायदे और नुकसान को लेकर। जी हाँ, ट्विंकल ने खुद इसके बारे में 2016 में कॉफी विद करण के एपिसोड में बताया था। वहीं अक्षय ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि शादी के बाद जब उन्हें ट्विंकल के इन चार्ट्स के बारे में पता चला तो वे गुस्से से उबल उठे थे। तो आखिर कैसे कैसे अक्षय को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, आइए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। दरअसल ट्विंकल खन्ना ने कॉफी विद करण में कहा था कि लोग बच्चे के लिए शादी करते हैं, इसीलिए उन्होंने अक्षय कुमार की फैमिली का हेल्थ रिकॉर्ड चेक कराया था कि कहीं उनके यहाँ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं। इस चार्ट में कुछ और बातें भी शामिल थी, मसलन अक्षय के यहाँ लोग जल्दी गंजे तो नहीं होते, किसी बीमारी से किसी की मौत तो नहीं हुई। हालांकि इस पर अक्षय ने रिएक्शन भी दिया था और बताया था कि कैसे शादी हो जाने के बाद जब उन्हें इस बात का पता चला था तो उन्हें गुस्सा आया था। मतलब ये कि खिलाड़ी कुमार ट्विंकल की इस हरकत पर बुरी तरह तिलमिला उठे थे। हालांकि आगे अक्षय कुमार ने इस बात को एक्सेप्ट कर ली थी और उन्होंने बताया था कि अब उन्हें लगता है कि कुंडली मिलान हो या ना हो, इस चीज को जरूर चेक किया जाना चाहिए। ट्विंकल की माने तो उन्होंने शादी के बाद के फायदे और नुकसान का जो चार्ट बनाया था उसमें 2 कमियां और 8 बेनिफिट सामने आए थे। हालांकि इन तसल्लियों के बावजूद भी अक्षय को कुछ और कसौटियों को पार करना पड़ा था। जी हाँ, एक बार तो अक्षय से रिश्ते में रुकावट ट्विंकल की माँ डिंपल कपाड़िया ही बन गई थी। दरअसल डिंपल को उनके किसी जर्नलिस्ट दोस्त ने कहा था कि अक्षय गे हैं। इस वजह से उन्होंने अक्षय के आगे शर्त रखी थी कि 1 साल तक उन्हें ट्विंकल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना होगा, शादी का फैसला उसके बाद लिया जाएगा। फाइनली इसके साल भर बाद अक्षय ट्विंकल की शादी हो गई थी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।